अचिंत्य अतुल गुरु पांडुरंग शरण गुरु अचिंत्य भर दीपक और सुधांत गुरु। कोशिश करूंगा सबका नाम कंटेस्ट क्या होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज आपके नाम रहे हैं। आज श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित श्री उपदेश शामिल ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ का जो आठवां पद्य है उस पर पूरी चर्चा की जाएगी। क्या आपने से कोई आठवें पद्य को कंठस्थ किया है उपदेश शामिल थे, किसी को आठवां पद्य हो रहा है यदि नहीं मालूम है तो मैं बोलूंगा आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो स्मृत्य क्रमेण रसना मनसी निभुज्य स्मृत्य क्रमेण रसना मनसी निभुज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागि जनारुगामि तिष्ठन् व्रजे तदनुरागि जनारुगामि कालं नयेदखिल नित्युपदेश सारम् कालं नयेदखिल नित्युपदेश सारम्। तो बहुत ही अच्छा ग्रंथ लिखा है श्री रूप गोस्वामी जी ने। इस ग्रंथ का नाम है श्री उपदेशावली। तो ये ग्रंथ लिखने के पीछे का हेतु क्या है? उपदेश अमृत। देखिए श्री रूप गोस्वामी जी ने दो ही ग्रंथों में जो है उपदेश दिया है, एक है भक्ति रसामृत सिंधु और दूसरा है उपदेश अमृत। वस्तुतः श्री रूप गोस्वामी जी किसी को उपदेश देने के ज्यादा पक्षधर नहीं थे, ज्यादा पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि उपदेश पहले ही शास्त्रों में दिया गया है, तो अलग से क्या हम किसी को उपदेश दें? उपदेश पहले ही इसमें दिया हुआ है, श्रीमद् भागवत में कितने उपदेश हैं, है कि नहीं? तो खुद के कुछ उपदेश देने से अच्छा है कि शास्त्रों में जो पहले ही उपदेश विद्यमान है उन्हीं उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। तो जो ऐसी बात है तो श्री रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृत ग्रंथ क्यों लिखा, और क्या यह ग्रंथ दुनिया भर के लोगों के लिए लिखा गया है कि दुनिया भर का कोई भी आदमी आए और उसको पढ़े? तो अधिकारी कौन है ग्रंथ का, ये जानना भी बहुत आवश्यक है। यदि भी हम जब पुस्तक वितरण करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कोई नया व्यक्ति भी होगा तो उसके हाथ में हम दे देते हैं उपदेशामृत, ये उपदेशामृत। और बहुत सारे लोग उपदेशामृत पढ़ के भक्त बन भी जाते हैं, ये भी देखा गया है। तो जो व्यक्ति कभी कभी उपदेशामृत के बारे में कुछ भी नहीं जानता वो भी उपदेशामृत पढ़ के भक्त बन जाता है, ये भी देखा गया। पर ऐतिहासिक रूप से श्री रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृत ग्रंथ क्यों लिखा ये जानना आवश्यक है, तो इसके विषय में मैं कुछ बताऊंगा। श्री उपदेशामृत की एक पांडुलिपि, पांडुलिपि समझते हैं ना, मैन्युस्क्रिप्ट, ये एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में इसका एक मूल प्रति पड़ा हुआ है, कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी श्री उपदेशामृत, उसके ऊपर इसका थोड़ा इतिहास लिखा हुआ है, ये ग्रंथ क्यों लिखा हुआ, क्यों लिखा गया। बात ऐसा है कि श्री रूप गोस्वामी जी वृंदावन में एक ग्रंथ लिख रहे थे और ये ग्रंथ उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था। इस ग्रंथ का नाम श्री भक्ति रसामृत सिंधु। तो जब ये ग्रंथ लिख रहे थे तो श्री रूप गोस्वामी जी अपने किसी कुटीर में बैठ के जो है वहां पर अपना भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिखते थे। और जब श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिखते थे उस समय उनको पंखा करते थे भक्ति रसामृत सिंधु के टीकाकार श्री जीव गोस्वामी। तो ग्रंथकार ग्रंथ लिखते थे और टीकाकार उनको पंखा उस समय झूलते थे। तो जब ऐसा होता था क्योंकि जैसे ही ग्रंथ लिखा जा रहा था तो श्री जीव गोस्वामी देखते थे कि क्या श्लोक लिखा जा रहा है, तो जब श्लोक देखते थे क्या लिखा जा रहा है, तो यदि कुछ भी संशय होता था
उसी समय पूछ लेते थे कि ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि बाद में टीका लिखना है, ऐसे ही ये ग्रंथ नहीं लोगों के समझ में आएगा। तो ये इतने अच्छे टीकाकार हो गए हैं श्री भक्ति रसामृत सिंधु श्रीजी हुए स्वामी, उन्होंने ग्रंथकार के पास बैठ के ही अपने सारे संशयों को सुलझा लिया था, तो ग्रंथकार के मुख से ही अपने सारे संशयों का निवारण कर लिया था। और कभी कभी होता है ना, ग्रंथ लिखा जाता है हजारों साल पहले और टीकाकार आता है हजारों साल बाद, ऐसा होता है। जैसे श्रीमद् भागवत कितने साल पहले बोला गया था, कोई जानते हैं कितने कितने साल हो गए लगभग श्रीमद् भागवत इस संसार में आए हुए? 5000 साल। और टीकाकार श्रीधर स्वामी ये 1000 साल पहले होंगे, तो ग्रंथकार और टीकाकार में कितने साल का अंतर हो गया? 4000 वर्ष का अंतर हो गया। फिर भी श्री श्रीधर स्वामी जी ने श्रीमद् भागवत का पूरा अर्थ समझ के टीका लिखी, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बहुत पसंद करते थे। अब यहाँ पर वैसी बात नहीं, यहाँ पर ग्रंथकार और टीकाकार एक ही कमरे में बैठे हुए हैं, ग्रंथकार ग्रंथ लिख रहे हैं और टीकाकार पंखा चल रहे हैं। तो जब ऐसा है तो एक दिन ऐसा हुआ कि श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिखते लिखते एक दिन श्री रूप गोस्वामी जी के कुटीर पर एक ब्राह्मण आए जिनका नाम था श्री वल्लभ, वल्लभाचार्य ने श्री वल्लभ के ब्राह्मण श्री वल्लभ नाम के ब्राह्मण आए और उन्होंने श्री रूप गोस्वामी जी से पूछे कि आप कौन सा ग्रंथ लिख रहे हैं। तो श्री रूप गोस्वामी जी बोले कि मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ तिरसामृत सिंह जी, और ये मेरे पूज्य इष्ट देव श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर ही ये ग्रंथ लिखा जा रहा है। तो जब श्री वल्लभ ने बोला अभी कौन सा पद लिख रहे हैं, कौन सा श्लोक लिख रहे हैं, उसमें उस समय श्री रूप गोस्वामी जी एक पद्य लिख रहे थे। वो पद्य ऐसा है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची प्रीति वर्तते कथम कथम साधु प्रेमस तथा कथम अभ्युदयो भवेत तावत प्रेमस्य कथम अभ्युदयो भवेत, कि जब तक हृदय में भुक्ति मुक्ति रूपी पिशाची, पिशाची समझते हैं, पिशाच किसको कहते हैं, भूत को। तो भुक्ति और मुक्ति रूपी पिशाची जब तक हृदय में बैठी हुई है तब तक भक्ति रूपी सुख के सूर्योदय कब होगा, नहीं हो सकता, ऐसा करके लिखा है। तो जब तक साधक के मन में भोग और निर्विशेष मोक्ष की इच्छा हृदय में दबी बैठी है तब तक भक्ति सुख का उदय नहीं हो सकता, ऐसा वह श्लोक का मोटा मोटा आशय। तो जब श्री वल्लभ जी ने देखा तो उन्होंने बोला आपने ये उचित नहीं लिखा रूप गोस्वामी जी। तो रूप गोस्वामी जी बोले क्यों, आप क्यों ऐसा क्यों आपने है? तो श्री वल्लभ जी बोले कि आपको ऐसा नहीं लिखना चाहिए था कि भुक्ति और मुक्ति ये पिशाची है, समझ रहे, भुक्ति को तो एक बार आपने पिशाची बोल दिया, भूत बोल दिया, वो ठीक है, मुक्ति को आपने नहीं पिशाची बोलना चाहिए था, ये आपने ठीक नहीं किया। तो एक बात है, एक काम ऐसा कीजिएगा, जब आपका ग्रंथ पूरा हो जाए लिख के तो आप मेरे पास ले आइएगा, मैं ग्रंथ में शोधन कर लूंगा। तो रूप गोस्वामी जी कुछ नहीं बोले, ठीक कोई बात नहीं। पास में बैठे टीकाकार से ये बात सहन नहीं हुई, ये बात पास में जो टीकाकार बैठे थे वो उस समय तो कुछ नहीं बोले क्योंकि श्री रूप गोस्वामी के पास में बैठे हैं। फिर श्री वल्लभ जी कौन से दिशा में जा रहे हैं ये देखा तो नोट कर लिया कि यमुना की दिशा में जा रहे हैं। तो कुछ ही उनके जाने के बाद कुछ ही 2-3 मिनट में श्री जीव गोस्वामी जी श्री रूप गोस्वामी जी को बोले कि मैं जरा यमुना हो आता हूँ। तो रूप गोस्वामी जी बोले ठीक है हो आओ। श्री जीव गोस्वामी जी पीछे पीछे जाकर यमुना के तट पे पकड़ लिया श्री वल्लभ जी को, एक मिनट ब्राह्मण महाशय आपसे कुछ पूछना था। तो श्री वल्लभ जी बोले हाँ बताइए क्या। बोले आपने हमारे जो चाचा हैं श्री रूप गोस्वामी उनके ग्रंथ में आपने कहा कि आप शोधन कर दोगे,
आपने श्लोक पढ़ा क्या? हम श्लोक लिख रहे थे। बोले हाँ मैंने श्लोक पढ़ा। बोले उसमें क्या था लिखा हुआ? उसमें यह लिखा हुआ था कि भक्ति और मुक्ति ये पिशाची जब तक हृदय में बैठी है तब तक प्रेम रूपी सूर्य का उदय कैसे हो सकता है। और उसमें एक बात ठीक नहीं थी कि मुक्ति को पिशाची कह दिया था। तो सुजीव गोस्वामी जी ने बोला क्या आपने ध्यान से श्लोक पढ़ा? फिर से मैं बता रहा हूँ, मुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। भक्ति और मुक्ति की इच्छा रूपी पिशाची, भक्ति और मुक्ति को नहीं बोला जाता, भक्ति और मुक्ति की इच्छा रूपी पिशाची जब हृदय में बैठी हुई है तब तक प्रेम का सूर्योदय कैसे होगा। तो वो बोले हाँ मैंने ये ऐसा नहीं देखा था इस तरह से। आप अच्छे विद्वान जान पड़ते, मुझे लगा कि आप जस्ट एक हेल्प करने के लिए सेवक है आपकी, लेकिन मैं अभी वाराणसी से आया हूँ और श्री मधुसूदन विद्या वाचस्पति से 8 वर्ष व्याकरण और वेदांत का अध्ययन किया है। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य से हमने नव्य न्याय का अध्ययन किया है। क्या नाम है आपको? जी गोस्वामी। तो श्री वल्लभ भट्ट जो है, श्री वल्लभ उस समय बाबा स्वरूप गोस्वामी जी को मिलने गए अगले दिन। मैं बोले कि कल मैं आया था, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैंने अकारण ही आपके ग्रंथ में दोष निकाल लिया जबकि मैंने श्लोक नहीं पढ़ा था। तो रूप गोस्वामी जी बोले मैं आपको शोधन करने के लिए ग्रंथ दे दूंगा। तो मैं योग्य नहीं हूँ आपके ग्रंथ में शोधन करने के लिए। आपका ग्रंथ जो है वो जो आपके साथ बैठे थे ना समझा सकते हैं, बहुत विद्वान है। कौन है वो? कुछ नहीं, वो तो भतीजा है हमारा, अभी आया है कुछ समय पहले। नहीं, उसने हमको दिखा दिया कि क्या दोष था हमारे समझ में। गुरु गोस्वामी जी समझ गए उसने कि ऐसा ही चलता रहा तो वृंदावन भी दूसरा काशी बन जाएगा, जहां खाड़ी घाट पर शास्त्रार्थ होने लगेगा। तो ये बात अच्छी नहीं है। वृंदावन ये भजन करने का स्थान, ये शास्त्रार्थ करने का स्थान नहीं है। यहाँ पे साधु लोग भजन करने आते हैं और उस कल्चर को हमको चेंज नहीं, बदलना नहीं है। साधुओं के द्वारा जो स्थापित वहां की संस्कृति है वो ये है कि वह भजन करने की स्थिति, वहां पे काशी की तरह विद्वत परिषद और शास्त्रार्थ की जगह नहीं है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने श्री जीव गोस्वामी जी को बुलाया और बोला कि तुमने ऐसा क्यों बोला? जीव गोस्वामी जी बोले कि हमको अच्छा नहीं लगा, हमको थोड़ा क्रोध आ गया था कि उसपे उन्होंने इस प्रकार से दोष निकाला। बोले अगर तुम्हें क्रोध आ गया था, तुम्हें क्रोध आता है क्योंकि कोई कोई व्यक्ति तुम्हारा नुकसान करता है इसलिए क्रोध आता है। क्रोध आने का कारण क्या है? कि हमारा कोई नुकसान करता है, हमारी कोई हानि करता है तो उस पर हमें क्रोध आता है। यदि ऐसी बात है तो सबसे अधिक हानि तो क्रोध ही हमारी करता है, तो उस क्रोध पे क्रोध क्यों नहीं किया? ऐसा प्रश्न है। अगर हानि करने वाले पे क्रोध करते हो तो सबसे अधिक हानि कौन करता है? क्रोध ही तो करता है, उस क्रोध पे क्यों नहीं क्रोध किया तुमने? मेरा ऐसा मानना है कि इस समय तुम्हारा वैराग्य परिपक्व नहीं हुआ है। ऐसा बोले पक्का नहीं हुआ तुम्हारा वैराग्य, इस समय तुम वृंदावन में रहने के अधिकारी नहीं, तो तुम यहाँ से चले जाओ, वैराग्य परिपक्व होने पर आना। जी गोस्वामी जी ने बहुत आनंद नहीं किया कि हमसे जो भी क्षण त्रुटि हो गई हुआ वृंदावन में ही रहने दीजिए, हमको क्षमा कीजिए। रूप गोस्वामी जी ने
इस तरह से वृंदावन में नहीं रह सकते। श्री जीव गोस्वामी जी वृंदावन का सीमा है, उस सीमा के जस्ट बाहर उत्तर वृंदावन, नॉर्थ वृंदावन, जहाँ ठंड ज्यादा रहती है, उस सीमा के जस्ट बाहर यमुना के किनारे तट पे, जहां मगरमच्छ ने खोखला बना के, मगरमच्छ रहता नहीं था, छोड़ दिया था मगरमच्छ का खोखला, इस मगरमच्छ छोड़ दिया था, उसमें जीव गोस्वामी जी रहते थे और वृक्ष की छाल पहनते थे। फिर उन्होंने कॉफी पहनना छोड़ दिया, वृक्ष की छाल पहनते थे और आटा घोल कर पीते थे, ऐसा उन्होंने, आप समझ रहे हैं, उस समय इस प्रकार का जीवन जिया। और उनका शरीर बहुत उससे जो है दुर्बल हो गया था, तो ऐसा कुछ एक आधा डेढ़ महीना जीव गोस्वामी जी ने बिताया वृंदावन के बाहर। और तब श्री सनातन गोस्वामी जी ने एक बार पता किया कि जीव गोस्वामी जीव किधर है, तो जीव गोस्वामी जी बोले मैंने उसको वृंदावन के बाहर जाने का स्थित मुझे नहीं मालूम कहाँ गए। तो उसके बाद श्री सनातन गोस्वामी जी ने पता करवाया गांव वालों से पूछकर कहाँ गए, तो पता चला कि वहां मगरमच्छ के खोखले में एक मनुष्य रहते हैं जो जीव गोस्वामी जैसे दिखने वाले। तो बोले ठीक है, वहां जाकर देखेंगे। पता चला कि वहीं पे जीव गोस्वामी रहते। उस समय भी शांत नहीं रहते, ऐसे बिना कुछ काम के नहीं रहते थे, समय तत्व संदर्भ लिखना शुरू कर दिया जीव गोस्वामी जी। षट संदर्भ जो है उसमें से कुछ नोट्स थे उनके पास, उसमें से तत्व संदर्भ लिखना शुरू, उस समय तत्व संदर्भ लिखना शुरू किया था। तो जब सनातन गोस्वामी जी ने श्री रूप गोस्वामी जी को बोला कि आप इनको बुला लेते हैं, इनका अभी मुझे कोई संशय नहीं है कि इनका वैराग्य, और आपने इनको बोल दिया है तो वृंदावन में ये वापस ऐसा नहीं करेंगे, आपको इनको दूर भेज के क्या मिलेगा, आप इनको रखिए वृंदावन में और इनको अच्छा उपदेश बताइए कि कैसे रहना, उससे लाभ होगा, दूर भेजने से तो लाभ नहीं होगा ना, इतना सीखा पढ़ा लिखा है सब वाराणसी से, मधुसूदन विद्या वाचस्पति से पढ़ के आए हैं, उनको आप दूर भेज देंगे तो क्या लाभ होगा, इसके विपरीत इनको आपके ग्रंथों के टीका के कार्य में लगाइए, भक्ति ग्रंथों के प्राणायाम में लगाइए, उससे लाभ होगा। तो श्री रूप गोस्वामी जी के सामने जब जीव गोस्वामी जी वापस आए, तो जीव गोस्वामी जी ने पुनः उनसे याचना की, क्या कृपया मुझे अपनी सेवा में फिर रख लीजिए। तो रूप गोस्वामी जी ने उनको बोला कि देखिए वो हम रख लेंगे, लेकिन वृंदावन में कैसे रहना है ये आपको सीखना होगा। तो बोले ठीक है। बोले ये जो भी हुआ ये ब्राह्मण के साथ, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपको आपके मन पर, आपके क्रोध पर और मुख्य रूप से आपकी वाणी पर संयम नहीं रहा, इसलिए सबसे पहला उपदेश यही है, वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, एतान् वेगानि विषयेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। अगर आपको उन पर शासन करना ही था, श्री वल्लभ भट्ट छोड़ दीजिए, आप पूरी दुनिया पे शासन कर सकते, लेकिन पहले वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, एतान् वेगानि विषयेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। इस श्लोक का अभिप्राय प्राय सभी लोग जानते होंगे कि जो छह वेगों को सह लेता है, कौन से छह वेग, वाणी का वेग वाचो वेगम, मनस का मन का वेग, क्रोध का वेग, जिह्वा का वेग, उदर का वेग, उपस्थ का वेग, ये छह वेगों को जो सह लेता है वो धीर व्यक्ति पृथ्वी को अनुशासन कर सकता है। इस तरह से श्री रूप गोस्वामी जी ने उनको अनेक अनेक उपदेश दिए। दूसरा उपदेश दिया कि भक्ति में कौन कौन से कार्य नहीं करने, खासकर वृंदावन में रहते हैं कौन से कार्य नहीं करने, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमादः अधिक भोग करना किसी भी वस्तु का, प्रयासश्च
भौतिक संसार में बहुत प्रयास करते रहना, भक्ति पर ध्यान नहीं देना, प्रजन पर कुछ फालतू की बात करना जिसका भक्ति से कोई संबंध नहीं है। नियम आग्रह, नियम आग्रह के दो अर्थ हैं, नियम आग्रह, नियमों को ग्रहण ही नहीं करना शास्त्रों के, नियम आग्रह और नियमों का अतिरेक कर देना, ज्यादा जोर जबरदस्ती कर देना, उसको क्या कहते हैं, दोनों को कहते हैं नियम आग्रह। नियम और आग्रह ये क्या बनता है, नियम आग्रह, और नियम और आग्रह ये क्या बनता है, नियम आग्रह। तो चौथा है नियम आग्रह, नियमों को ग्रहण ही नहीं करना या नियमों की जोर जबरदस्ती करना। फिर जनसंघर्ष और भौतिकवादी लोगों का संग करना, और लौल्यम च किसी चीज के पीछे लालची हो जाना, हाँ लालाई करना, जैसे कि राधा रमण जी की। हाँ लौल्य मतलब किसी चीज के पीछे बहुत लालची हो जाना, जिसको मराठी में कहते हैं हवरे पड़ा, जिसको कहते हैं हवरे पड़ा, लौल्य। इन छह से भक्ति विनाश, इन छह से भक्ति का क्या होता है, नाश, पूर्ण रूप से नाश। फिर श्री रूप गोस्वामी जी ने तीसरे पद्य में बताया कौन से छह चीजों से भक्ति वर्धन होता है, उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्म प्रवर्तन संग त्याग सतो वृत्ति है षडभिर भक्ति ही प्रसंग। सबसे पहले उत्साह रखने से भक्ति में, फिर दूसरा है निश्चय अंत तक प्रेम अवस्था प्राप्त होने तक मैं भक्ति में लगा रहूंगा, धैर्य और यदि कोई विघ्न आ जाए तो भी हार नहीं मानना, इसको क्या कहते हैं धैर्य, और तत्त्व कर्म प्रवर्तन और भक्ति के वो जो कर्म बताए हैं सारे शास्त्रों में हजारों चीज बताए, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवा तत्त्व कर्म प्रवर्तन उसमें लग जाना चाहिए। चौथी चीज संग त्याग और भौतिकवादी लोगों के संग त्याग, और सतो वृत्ति है और साधु की वृत्ति, साधु की जीवन शैली, इन छह से भक्ति ही प्रसिद्ध है। तो साधु की वृत्ति अपनाने से, साधु की जीवन शैली अपनाने से भक्ति आगे बढ़ती है। ये था तीसरा। श्री रूप गोस्वामी जी ने फिर बोला कि देखो वृंदावन में अगर तुम अकेले रहते तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे साधु समाज में रहना है, तो साधु समाज में जब हम रहते हैं, वैष्णव के समाज में रहते हैं, तो वैष्णवों के साथ हमारे संबंध कैसे होने चाहिए, कटु होने चाहिए या प्रीति प्रीतिपूर्वक संबंध होना, प्रीतियुक्त होने चाहिए, कैसे संबंध होना चाहिए हमारे, प्रीतियुक्त संबंध होने चाहिए। अब कोई नया वैष्णव जिसको हम नहीं जानते, मान लीजिए कि मैं रोज से आज पहली बार मिला, वैसे मैंने देखा है आपको करते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आज हम पहली बार मिले, हम जानते नहीं एक दूसरे को, एक दूसरे में प्रीति कैसे स्थापित, कि अकेले नहीं रहना है समाज में रहना है, वैष्णव के समाज में प्रीति स्थापित करने के छह तरीके, ददाति प्रतिगृह्णाति व्याख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयति चैव षड्विधं प्रीति लक्षणं। ददाति यदि मिले तो हम बोलेंगे रोजी मैं आपके, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, तो दे क्या दे सकते हैं, और देखा रोजी रूप में नोट्स बनाते हैं अच्छा, तो रोजी को एक अच्छा नया नोट कुछ नया पेन कॉपी पेपर, या फिर प्रभुजी को पहनने के लिए नया वस्त्र, जो इस प्रकार से तो ददाती, फिर प्रभुजी बोलेंगे ठीक है मैं भी, मैं आपके लिए कुछ आपके लिए भगवान का माला श्रीमती राधारानी का माला लेके आता, तो जो लेके आएंगे तो प्रतिग्रहण आदि उसको क्या करना है, हमें स्वीकार करना है, स्वीकार करना भी प्रति होता है, हम वैष्णव से स्वीकार करने में हम एहसान तले नहीं दब जाते, एक बात हमको समझना चाहिए, बाहर भौतिकवादी लोगों से जब हम स्वीकार करते हैं तो हम एहसान तले दब जाते हैं, है कि नहीं, इसलिए हमको किसी से कुछ स्वीकार करने में झिझक होती है कि नहीं मैं नहीं 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 ठीक है नहीं ऐसे बोलते हैं, नहीं ठीक है ठीक है ऐसे बोलते हैं, पर जब हम किसी वैष्णव से कुछ स्वीकार करते हैं तो हम उसके एहसान तले नहीं दबते, क्यों, क्योंकि हम उसको भगवान के प्रसाद के रूप में स्वीकार करते, जो है भगवान का ही एहसान है, सबके किसका एहसान है, भगवान का ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने कुछ दिया
तो वो देने वाला वो नहीं है और हम भी देने वाले हम नहीं है ना। हम कर्ता हरिर एव कर्ता, कर्ता तो हम है नहीं। तो जब हम कर्ता नहीं है तो हम दाता कैसे हो सकते हैं कि नहीं? और हम दाता भी नहीं है और हम उसको ग्रहण करने वाले भी नहीं है और हम भोक्ता भी नहीं है। कोई चीज मिल जाए तो उसके हम क्या नहीं है? भोक्ता भी नहीं है। तो कुछ मिल जाए तो प्रतीक घृणा थी। ये भगवान का प्रसाद है, इस तरह समझ के ले लेना चाहिए। कोई नई वस्तु है एकदम, तो उसको पहले भगवान को अर्पण कर देना चाहिए, फिर उसको स्वीकार कर। जैसे नोटबुक है, नोटबुक है तो पहले भगवान को क्या कर देना चाहिए? उसको अर्पण कर देना चाहिए। तो पूरी नोटबुक को पहले भगवान को अर्पण कर देना चाहिए, तो पहले भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। आप और श्रीमती राधा रानी इसमें एक दूसरे के लिए पत्र लिखिएगा, तो इस प्रकार से नोटबुक अर्पण कर देना चाहिए। फिर उसके बाद उसको प्रसादी समझ के उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो ददाति प्रतीक घृणा, पहले फिर कुछ स्वीकार भी करना है। वो ये आख्या थे, एक जगह बैठ के कुछ अगर हमारे जीवन में कुछ हमको गोपित बात करनी, कुछ गूढ़ बात करनी तो कह सकते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे आध्यात्मिक जीवन में कुछ कठिनाई चल रही है, तो मैं गुरु जी के पास जाता हूँ और मैं प्रभु जी के पास जाकर कहता हूँ कि क्या नाम है, अतुल गोविंद प्रभु, मैं आपसे अकेले में कुछ कहना चाहता हूँ, किसी को बताइएगा। तो पिछले कुछ दिन से मेरा मन हो रहा है कि बाहर जाकर कुछ एक आधा अपने जो मित्र था पुराना कॉलेज का, उससे मिला हूँ, उससे बात करूँ। अच्छा नहीं लगता कभी कभी, ऐसा होता है किसी को कुछ इच्छा मन में, कुछ दिन से इच्छा हो रही है कि बाहर जाके कहीं घूमा। ये जो है अतुल गोविंद प्रभु, अगर उसको सब में प्रकाशित कर देंगे ना तो अच्छा नहीं होगा, हम समझ रहे हैं। इसको कहते हैं गुह्य माफिया। कोई वैष्णव आते हमारे पास कुछ अपने हृदय की बात कहता है, उसकी कहते हैं गुह्य माफिया। इसको अपने हृदय में रखना है, इसको प्रकाशित नहीं करना है। कभी कभी कुछ ऐसे उसके जीवन में कठिनाई होती है, वो आके कहता है उसको प्रकाशित नहीं करना है। तो क्यों? क्योंकि शास्त्रों में नियम मंत्र, जब कोई भी गुप्त मंत्र छह कानों तक पहुंच जाता है तो वो खुल गया, मतलब गुप्त नहीं रहा। पहले तो मंत्र हमारे दो कानों के बीच में रहते हैं, समझ गए, फिर दो कानों से हम उसको चार कानों तक पहुंचाते हैं। अब उससे अगर वो छह कानों तक पहुंच गया, समझ रहे हैं, तो षट करना विद्यते मंत्र, छह कानों तक पहुंचते ही मंत्र फूट गया, ऐसा समझना चाहिए। तो ये हमारा कारण है कि वो छह कानों तक ना पहुंचे, वो चार कानों के बीच में ही रहे। वो ये माफिया थी परिचय थी। और फिर कुछ पूछना भी है, जिज्ञासा भी करनी होती है आध्यात्मिक जीवन में, किस तरह से कोई भी भक्ति रागा होगा, भक्ति कैसे करनी है। जो वैष्णव हमसे थोड़ा अधिक जानता है या अधिक श्रेष्ठ है, उससे कुछ जिज्ञासा करनी है। फिर घूमते भोजयते चैव, और अंत में दो चीजें करनी है, घूमते प्रसाद खाना, भोजयते और प्रसाद खिलाना है। षडविधम प्रीति लक्षण, ये छह जो है किसके लक्षण है? प्रीति के लक्षण। कोई भी नया हो, वैष्णव हो, उससे आप तुरंत ये प्रीति स्थापित कर सकते हैं, ये छह लक्षण यदि आप उन पर कार्य करें तो। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। फिर उसके बाद वैष्णव समाज में प्रीति का स्थापित कर लेते हैं, पर वैष्णव समाज में सबको आदर भी देना पड़ता है, ठीक है? तो आदर देना है तो सभी वैष्णवों को समान आदर देना है क्या, या सभी वैष्णवों को अलग अलग आदर देना है? आदर देने में कुछ समानता है या कुछ तारतम्य है, ऊंच नीच है? तो श्री रूप गोस्वामी जी ने बताया कि वैष्णवों को आदर देने में कुछ ऊंच नीच है, अलग अलग वैष्णवों को अलग अलग स्तर पे आदर देते हैं। कृष्णे प्रियस्य गिरितम मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य निन्दादिशून्य हृदयेऽसित संगलभ्या। अगला पद कृष्ण इति यस्य गिरि,
कृष्ण 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 इति यस्य गिरी, जिसके मुख पे सिर्फ नाम है कृष्ण कृष्ण इति, ये जो सिर्फ नाम ले रहा है भगवान का और कुछ नहीं, नया भक्त है, तब मनस आदरिएत, उसका आदर करे, लेकिन कैसे आदर करे, उसका मन से आदर करे। दीक्षा अस्ति चेत, चेत मतलब यदि, यदि दीक्षा है तो प्रणति भेज, फिर उसको क्या करे, प्रणाम करे। अब उन दिनों वैष्णव वृंदावन में गिरी चुने वैष्णव रहते थे 10-12 दीक्षित, आज इस्कॉन में हजार हो गए, तो फिर क्या करें, हजारों को कहीं प्रणाम करते बैठेंगे तो फिर तो सुबह ही पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने एक कॉमन प्रणाम दिया है, नाउ लेट अस पे आवर रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस टू ऑल वैष्णवस हु आर जस्ट लाइक द श्री, है ना, वैष्णव प्रणाम भी करते हैं, हम अच्छा करके तो इससे पास के लिए सतीदानम पावनेंगे वैष्णव, विशेष रूप से जो दीक्षित होते उनकी दीक्षा अस्ति चेत प्रणति निश्चय, दीक्षा यदि हो तो उनको कैसे आदर करें, उनका प्रणाम करते। भजन तम ईशम शुश्रूषया, और भजन तम ईशम, यदि कोई दीक्षित भी हो और ईश्वर का भजन भी करा, मतलब भजन करा तो कोई सेवा भी करा हो, बहुत सारे लोग दीक्षित होते हैं पर कोई सेवा विशेष करते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन कोई दीक्षित हो और भगवान की सेवा में तत्परता से लगा हुआ हो तो शुश्रूषा, तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, ये बात है, हमें उसकी कुछ सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की सेवा कर रहे हैं इसलिए नहीं आया वो, तो उसका कर्तव्य है, समझ, ऐसे कुछ लोग भाव रखते हैं ना, वो तो उसका काम है करना, जीव तो वैसे भी दास होता है कृष्ण का, ये ऐसे नहीं सोचना चाहिए, वो भगवान की सेवा कर रहे हैं मतलब वो जीवन का बहुत महान कार्य कर रहे हैं, तो हम उसकी कैसे सेवा कर सकते हैं जिससे उसकी सेवा में उसको सुविधा हो, शुश्रूषा है, जो सेवा कर रहा है उसकी शुश्रूषा से सेवा करना। भजन अभिज्ञम अनन्यम अन्य निंदादि शून्य हृदयम ईप्सित संकल्प, भजन अभिज्ञम, फिर हजारों हजारों वैष्णवों में से एक वैष्णव ऐसा मिलेगा जिसको कृष्ण का भक्ति कैसे करना है पूरा शास्त्रों से मालूम है, उसको कहते हैं भजन अभिज्ञम, मतलब भजन का विज्ञान जानने वाला, ऐसा वैष्णव आपको दिखेगा। अनन्यम मतलब एक एक ही दृष्टि से, एक ही पॉइंट, वन पॉइंटेड है वो, उसको और कोई लक्ष्य नहीं है, अनन्य गति है वो, भगवान कृष्ण की सेवा में ही लगा हुआ है और भजन की सब रहस्य जानते हैं, वास्तव में ऐसे भक्त को कहते हैं आचार्य, क्या कहते हैं ऐसे को, आचार्य कहते हैं, क्योंकि जो ऐसे कोई हर कोई नहीं होता है, हजारों में एक अलग कोई होगा, तो जो आचार्य होता है जो भजन का पूरा रहस्य जानता है और अनन्य भक्त होता है, मतलब कृष्ण के अलावा और कोई उसका शरण नहीं है, और अन्य निंदा भी शून्य हृदय, और संसार के सभी जीवों की निंदा से शून्य जिसका हृदय होता है, संग अलग, या ऐसे व्यक्ति का संग अलग, थोड़ा समय की दर्द बहुत हो गया, ये बात संग अलग, तो ये जो है इस तरह से अलग अलग वैष्णवों का आदर करना, हाँ ठीक है, पर हम कुछ वैष्णव ऐसे हैं जिनका स्वभाव भी ठीक नहीं है, हम मंदिर में ना एक आदर भक्त हैं, ये तो जैसे मान ले, ये तो ठीक है, शुरुआत में तो अच्छे थे, बाद में मुझे इनका स्वभाव पसंद नहीं आया, मान लीजिए ऐसा ही, या फिर दूसरे कोई वैष्णव ठीक है अच्छा है पर विकलांग है, समझ रहे, विकलांग मतलब अंग कम है, मुझे नहीं मतलब दिखने में ही अच्छा नहीं लगता, मैं मुझे इच्छा नहीं होती, श्री रूप गोस्वामी जी ने बोला देखो आदर तो सबका करना है, दृष्ट ही स्वभाव जनित बहुशश्च दोष है, न प्राकृतत्व भक्त जन से पश्ये गंगा भसा न खलु उद्भुत फेन पंकैर ब्रह्मद्रवत्वम अपगच्छति नीरद्रवे, दृष्ट ही कभी दिख जाए तुमको, क्या दिख जाए, स्वभाव जनित वपुषश्च दोष है, दो प्रकार के दोष, एक किसी के स्वभाव से उत्पन्न, मतलब किसी को क्रोध जाता है, कोई कोई होता है ना भक्त कि एक भी चीज गलत हो गया तो दूसरे पे चिल्ला देता है, ऐसा भी होता है, तो ये दूसरे पे क्रोध करना ये दोष है, ये दोष किससे प्रकट हुआ है, उसके शरीर से कि उसके स्वभाव से प्रकट हुआ है, किससे प्रकट हुआ है, स्वभाव, दृष्ट स्वभाव जनित या वपुषश्च दोष है, या दूसरा दोष किसका होता है, वपु, वपु किसको कहते हैं, शरीर, वपुषश्च दोष है,
दो प्रकार के दोष, या तो स्वभाव से उत्पन्न हुआ दोष दिख जाए या वपु का दोष दिख जाए तो भी न प्राकृत भक्त जनस्य पश्य, इस भक्त का इस भक्त को कभी प्राकृत दृष्टि से मत देखना। कौन से दृष्टि से मत देखना? प्राकृत। प्राकृत मतलब क्या? हाँ नहीं, ये भी भौतिक लोगों जैसा ही तो है। भौतिक लोग कैसे प्राकृत, प्रकृति का बना हुआ उनका शरीर रहता है, प्रकृति के गुणों से बना हुआ उनका मन रहता है कि नहीं? उसको प्राकृत कहते हैं। प्रकृति से बने हुए को क्या कहते हैं? प्राकृत। ऐसा मत समझो कि अरे ये भी तो मटेरियलिस्टिक लोगों की दिखा है, बस धोती कुर्ता पहनने से थोड़ी भक्त बन जाता है कि नहीं? हाँ, इतना बड़ा बड़ा तिलक लगाता है कैसे भी व्यवहार करते हैं दूसरों में, आप समझ रहे हैं? ऐसे कुछ लोग होते हैं। तो दृष्टि स्वभाव जनिते वपुषश्च दोषः, कभी स्वभाव में कोई दोष दिखाई दे या कभी कभी वपु में दोष दिखाई दे, शरीर में दोष दिखाई दे, ना प्राकृतत्व उसमें कोई प्राकृत भाव नहीं करना, जैसे बाहर के कर्मी लोगों में हमारा होता है, अरे तो कर्मी ऐसा नहीं करना। क्यों? तो शरीर में दिखता है, स्वभाव में दिखता है, गंदगी शरीर में दिखता है, कभी दिख रही है आंखों से दिख रही है तो क्यों मना करता है? तो दृष्टांत देते हुए कहते हैं गंगा में सामना करो बुद्ध बुद्ध फेन पड़ते हैं। क्यों जी? गंगा में क्या फेन नहीं दिख, कचरा नहीं दिखाई देता, बहता हुआ दिखता है कि नहीं? आंखों से दिखता है। फिर भी ब्रह्म द्रवणम अपगच्छति नील धर्मी, फिर भी गंगा का जल ब्रह्म द्रव ही रहता है या उसमें से ब्रह्म द्रव निकल जाता है? रहता है कि नहीं रहता? वो आध्यात्मिक जल है या आध्यात्मिकता निकल जाती है उसमें से, जल में से? बताइए, गंगा के जल में कुछ कचरा हो तो गंगा के जल में आध्यात्मिकता रहती है या निकल जाती है? क्या होता है? रहती है। फिर भी तो उसमें हम स्नान करते हैं। जो ऋषिकेश में गंगा है, जो हरिद्वार में गंगा है, जो प्रयागराज में गंगा है और जो गंगा सागर में गंगा है, ये गंगा गंगा में भेद करते हैं कोई? जब हम गंगा सागर में जाएंगे वहां की गंगा भी क्या है? जो गंगोत्री है जो उसका स्रोत है वो भी क्या है? गंगा है। यद्यपि गंगोत्री का जल आपको एकदम शुद्ध स्वच्छ दिखाई देगा और गंगा सागर तक आते आते मटमैला दिखाई देगा, लेकिन क्या आप गंगा सागर में स्नान नहीं करोगे? करोगे। उसी तरह से किसी वैष्णव के स्वभाव में या शरीर में कोई दोष दिखाई दे तो उसमें प्राकृतिक भावना नहीं करनी, फिर भी उसी जैसे गंगा में कभी भी प्राकृतिक भावना बिल्कुल भी नहीं करनी। ये था छठवा। फिर ठीक है, ये तो हो गया कि वैष्णव के साथ कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है। बस रहना तो नहीं है ना समाज में, भजन के लिए आए वृंदावन में, इसलिए आए वृंदावन में भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए। तो फिर रूप गोस्वामी जी बोलते हैं ठीक है, भजन करना है तो उसमें क्या है? तो उसमें यह है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करना सबसे मुख्य भजन है। तो ये नाम जप करने में बहुत बार व्यक्ति जो है उसको रुचि नहीं होती है, तो नाम जप करने में रुचि कैसे प्राप्त की जाए इसको सात्विक करने में बताते हैं। कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या रसनस्य नरोचिकान इंत्वादरादन दिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमात् भवति तद्गजमूल पुत्री। स्यात् कृष्ण नाम, ये बात सही है। क्या है? कृष्ण नाम चरितादि, कृष्ण का नाम चरित्र आदि रूप गुण लीला चरित्र आदि क्या है? सीता, सीता मतलब खड़ी साकर मिश्री जिसको कहते हैं ना, ये सीता है। श्याद कृष्ण नाम चरितादि सीता, ये खड़ी साकर मिश्री है। ये मिश्री कैसी होती है? एक ही गुण होता है मिश्री का, क्या गुण होता है? मिठास। तो भगवान के नाम रूप गुण इत्यादि तो ये मिश्री है। फिर भी अविद्या पित्त उपतप्त रसन से, अविद्या रूपी पित्त से जली हुई जीवा, तपी हुई जीवा को ये मिश्री कड़वी लगती है। तो जब हमको पीलिया हो जाता है उसको पित्तल होते हैं तो उसमें हमारे हमको जो है सब कुछ कड़वा लगने लगता है, मीठी वस्तु भी क्या लगने लगती है? कड़वा। किंतु किंत्वादरात् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा, यदि उसी मिश्री का सेवन
आदर पूर्वक अनुदिनम रोज करें, वो खाने पर स्वादवी क्रमात् क्रमात् धीरे धीरे वही जो है स्वादु हो जाएगी और वही मिश्री तद गदम मूल हंत्री उस रोग के मूल को भी जड़ से मिटा देगी। तो वही मिश्री खाने से वो रोग भी मिट जाएगा और वो मिश्री भी खुद क्या हो जाएगी, मीठी हो जाएगी। तो ये दृष्टांत देकर रूप गोस्वामी ने समझाया कि वैसे ही हरिनाम जो है इस समय जीव को मीठा लग रहा है कि कड़वा लग रहा है। तो यदि कड़वा लग रहा है तो वो हरिनाम बार बार ग्रहण करने से ही अविद्या रूपी दोष जो है वो दूर हो जाएगा और वो हरिनाम उनको मीठा लगने लगेगा। ऐसे तो इस प्रकार से हरिनाम का जप करना। अब अंत में श्री रूप गोस्वामी जी आठ और ये आज कल यदि भी ग्यारह है मैं आठ तक ही बोल रहा हूँ, आठ तक में पूछता हूँ। आठवां है कि समस्त उपदेशों का सार क्या है, सारे उपदेशों का एक सार, ये एक ही उपदेश में बता। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसनामनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजेतदनुरागि जनानुगामि कालं नयेद किल मिथ्युपदेश सारम्। रूप गोस्वामी जी सब संस्कृत भाषा में ऐसा कहते हैं, तो है तो बंगाल से तो बंगाली भाषा में क्यों नहीं, क्योंकि उन दिनों में ऐसी कहावत है कि गौड़ी यहाँ संस्कृत अज्ञान, गौड़ी ये कहते हैं वो संस्कृत के बहुत अच्छे जानकार होते हैं, गौड़ी यहाँ संस्कृत अज्ञान, तो गौड़ी ये लोग संस्कृत अच्छा बोलते हैं। और संस्कृत जो है पूरे भारत में विद्वानों के द्वारा मान्य भाषा है, तो संस्कृत भाषा में लिखने से पूरे भारतवर्ष के लोग उसमें शामिल हैं, तो इसलिए ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया। श्री रूप गोस्वामी जी बताते हैं उपदेशों का, सभी उपदेश का सार क्या है। तत् नाम रूप चरित आदि, तत् मतलब उनका नाम, उनका रूप, उनका चरित्र, किनका नाम, तत् से किसका बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का। तत् नाम तो भगवान श्री कृष्ण का नाम, तत् रूप भगवान श्री कृष्ण का रूप, तत् चरित्र भगवान श्री कृष्ण का चरित्र, तत् आदि, आदि मतलब धाम उनके परिकर इत्यादि, उनका क्या करना है, सुकीर्तन, सबसे पहले क्या करना है, सुकीर्तन, अच्छे से क्या करना है उनका कीर्तन, उनके गुण गाने। फिर अनुस्मृत्यो, अनुस्मृत्यो सुकीर्तन अनुस्मृत्यो, अनु जो है स्मृत्य मतलब उनका बार बार कीर्तन के साथ साथ क्या करना है, बार बार उनका स्मरण, दो चीज करनी है, कीर्तन और कीर्तनानुस्मृत्य क्रमेण, इन दो चीजों में क्रम से अपनी दो इंद्रियां जोड़नी है, पहला था सुकीर्तन, दूसरा क्या है अनुस्मरण, सुकीर्तन और अनुस्मरण, इसमें दो इंद्रियां जोड़नी है। रसना मनसी नियोज्य, रसना कहते हैं जीव को और मनसी कहते हैं मन को, तो सुकीर्तन में किसको जोड़ना है, जीव को, और स्मरण में किसको जोड़ना है, मन को, इसलिए क्रमात् लिखा है, क्रमेण 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 मतलब सीक्वेंस में रिस्पेक्टिवली, सुकीर्तन अनुस्मृत्य, तो कीर्तन में और स्मरण में क्रम से रसना और मनसी नियोज्य इनको लगा लेना है। और फिर क्या करना है, रहना किधर है, कौन से स्थान में रहे, तिष्ठन व्रजे, रहना है एक ही स्थान में, कौन से स्थान में रहना है, वरुष भूमि वृंदावन में। जीव गोस्वामी जी टीका में कहते हैं सामर्थ्य सती, इसी में सामर्थ्य हो तो श्री व्रजे नंद निवास स्थाने शरीरेण वासं कुर्यात्, तो सामर्थ्य हो तो श्री व्रज में, तो कुछ लोग बोलेंगे हमारा मंदिर भी तो व्रज ही, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, तो बोलते हैं जीव गोस्वामी बोलते नहीं, श्री निवास किया था नंद महाराज ने, तत्र शरीरेण वासं कुर्यात्, उस वृंदावन में किससे वास करें, अपने शरीर से वास करें। जिसके पास सामर्थ्य नहीं है तो जीव गोस्वामी बोलते तद अभावे, जिसके सामर्थ्य का अभाव हो, मनसा अपि, वो वृंदावन में कैसे वास करे, मन से भी, लेकिन किसी ना किसी तरह से रहना है किसके, वृंदावन में।
तो भक्त को दो जीवन जीना पड़ता है, एक होता है साधक का जीवन और दूसरा होता है उसको क्या सिद्धि चाहिए उसका जीवन। तो साधक के जीवन में वो जहाँ पे सेवा कर रहा है वहां रहता है, और उसमें भी अच्छा है कि साधक बन के वृंदावन चले जाए, और यदि साधक बन के वृंदावन नहीं जा सकता तो मन में कम से कम उसे भाग रहना है हमेशा वृंदावन में। तिष्ठन व्रजे तद अनुरागी जन अनुगामी, तो वृंदावन के जो अनुरागी जन है, वृंदावन में जो प्रीति रखने वाले साधुगण, कृष्ण में प्रीति रखने वाले साधुगण, उनका अनुगामी बनना है। क्या बनना है उनका? अनुगामी। और कालम नये अखिलम, अपना पूरा काल इसी तरह से बिता दे। इति उपदेश सार, ये सभी उपदेशों का क्या है? सार है। सभी उपदेशों का सार इस एक ही उपदेश में। इस तरह से श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री जीव गोस्वामी को ऐसे 8 उपदेश दिए, फिर उसके बाद और तुम दिए। बाकी तीनों में राधा कुंड के विषय में चर्चा है, राधा कुंड के बारे में, लेकिन वो हर किसी का अधिकार नहीं है। यहाँ पे हमारा अधिकार साधक भक्तों का अधिकार, वैदिक भक्तों का अधिकार जहाँ तक 8वीं श्लोक वहां तक मैंने समझाया। तो पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप यहाँ पर आए और आपने हमें कुछ कहने का अवसर दिया। और मैं यही कहना चाहूंगा, यदत्रस्थैतं किंचित् कुछ गलती हो गया हो बोलने में, विद्वान सह, आप सब विद्वान है, पूरयन्तु तत्, आप उसको पूरा कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। यदत्र सौष्ठवं किंचित्, जो भी बोला उसमें से कुछ भी अच्छा लगे तो तद गुरोरेव, वो मेरा नहीं है, वो हमारे गुरुजनों का, ये नहीं है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। समय है तो वाइन अप करना है, तो उसका ऐसा कुछ कर्म आता है, रिएक्शन आता है, तो आपने बोला कि उसको भगवान के पास जी। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि यदि हम हमें कोई कुछ देता है तो ऐसा कहते हैं कि उसका कर्म लेके आता है साथ में, थोड़ा सा कर्म का अंश लेके आता है साथ में। तो बात ऐसा है, वो कर्म का अंश तब लगता है जब हम किसी का उच्चिष्ट ग्रहण करते हैं। उच्चिष्ट मतलब किसी का झूठन, इसको कहते हैं झूठा, जब हम करते हैं किसी, वो झूठन ग्रहण करने पे उसका कर्म लगता है। अब कोई हमें नई कोरी नई चीज दे दे, एकदम नया, हाँ कोई नया नोटबुक दे दे हमको, उसमें कर्म नहीं लगता है उसका। लेकिन कर्म एक और चीज में लगता है, कोई हमें पैसा दे दे तो सीधा लक्ष्मी हाथ में दे दे तो पैसा, वो पैसा का वो हमारे मन पे उसका असर लग जाता है। तो अन्न लेने से और कोई पैसा लेने से, ऐसा कुछ भी लेने से दूसरे का ऐसा लगता है, इसलिए पहले उसको अर्पण कर देना चाहिए। अर्पण करने के लिए क्या विधि है, किस तरह से अर्पण करना चाहिए? तो अर्पण करने के लिए उसको भगवान के श्री विग्रह के सामने रख सकते हैं और बोल सकते हैं, सिंपल चीज बोलना है। क्या बोलना है मेरे पीछे द्वारा याद कर लीजिए, श्री कृष्णार्पणम अस्तु, श्री कृष्णार्पणम अस्तु। इसमें श्री है श्रीमती राधा रानी और कृष्ण है हमारे दामोदर, तो श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु, श्री कृष्ण को यह अर्पण हो, श्री कृष्णार्पणम अस्तु, ये छोटा मंत्र बोलना है और भगवान को अर्पण कर देना है, श्री कृष्णार्पणम अस्तु। अच्छा, अब कभी कभी भूल जाते हैं, कोई कुछ चीज अर्पण करना भूल गए, उसी समय नहीं अर्पण किया और फिर यूज करने लग गए, गलती से ऐसा हो गया, फिर क्या करना है? तो फिर हरि भक्ति विलास में उसके बारे में एक मंत्र दिया हुआ है। तो हरि भक्ति विलास में 8वें विलास में एक मंत्र दिया है जिसमें ये बताया गया है कि भगवान को अपने सारे कार्यों को समर्पित करना। देखिए, भक्ति योग जो आप करते हैं ना, भक्ति की कार्य, श्रवणम कीर्तनम, इसको भगवान को अलग से समर्पित करने की जरूरत नहीं है, ये तो सीधा सीधा भक्ति है। इसको आप ऐसे नहीं बोलते कि अरे ये जो मैंने भागवत कथा सुनी ये मैं भगवान को अर्पण करता हूँ, ऐसा अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, या ये मैंने जो कथा कही इसको मैं भगवान को अलग से कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो भगवान के ही कार्य है।
लेकिन कोई ऐसा कार्य है जिसका भक्ति से संबंध नहीं है, मान लीजिए सुबह उठ के ब्रश करना है, तो इसका भक्ति से क्या संबंध है? सुबह उठ के ब्रश करना है, इसका भक्ति से कोई डायरेक्ट संबंध है या इनडायरेक्ट संबंध है? इनडायरेक्ट संबंध। जो भी ऐसे कार्य होते हैं जिनका इनडायरेक्ट संबंध है भगवान से, उसको भगवान को अर्पण करना है। अब यदि भगवान को अर्पण करना है तो वो कैसे अर्पण करना है, तो हरिभक्ति विलास में ये बताया हुआ है। मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, इतः पूर्वम, इसका अर्थ बताता हूँ, इससे पहले, समझ रहे, अभी इससे प्राण, मेरे प्राणों से, बुद्धि, मेरी बुद्धि से, धर्म, और धर्म के अधिकारतः, अधिकार से, धर्म के अधिकार से, जैसे धर्म के अधिकार से मतलब कोई ब्राह्मण होता है, कोई क्षत्रिय होता है, कोई वैश्य होता है ना, तो धर्म ने हमको जो जो अधिकार दिया है उस अधिकार से जागृत, जागते हुए, स्वप्न, सपना देखते हुए, सुषुप्ति, गहरी नींद में, जहां सपना भी नहीं आता है ना उसको क्या कहते हैं, सुषुप्ति में, अवस्थासु, ऐसी किसी भी अवस्था, मनसा, मन से, वाचा, वाणी से, कर्मणा, अपने किसी भी कर्म से, हस्ताभ्याम, अपने दोनों हाथों से, पदभ्याम, अपने दोनों पैरों से, उदरेण, अपने उदर से, शिश्ना, अपने जनन इंद्रिय से, समझते हैं ना, ठीक है, तो जिससे मलमूत्र विसर्जन होता है उसको शिश्ना कहते हैं, तो मूत्र विसर्जन जिससे क्या करते हैं शिश्न, शिश्ना। यत्स्मृतम्, सबसे पहले मनसा बोला था, तो मनसा के साथ क्या जाता है, यत्स्मृतम्, जो भी मैंने क्या किया, स्मरण किया। यद उक्तम, मनसा के बाद वाचा था, वाचा हुआ, जैसे यद उक्तम, और फिर उसके बाद था कर्मणा, हस्ताभ्याम, पदभ्याम, उदर, शेष, यद कृतम, जो भी किया, तत्सर्वम, वो सब का सब, श्री कृष्णार्पणं भवतु, वो सब क्या हो, श्री कृष्ण को अर्पण हो, स्वाहा, अर्पण करने का वाक्य, ठीक है, माम, अपने आप को, मदीयं च, और मुझसे संबंधित जो भी, सकलं, सब कुछ, हरये, श्री हरि के लिए, समर्पयामि, समर्पित करता हूँ, इति ओम तत्सत्, ये मंत्र रात को सोने से पहले एक बार बोलते हैं। हरि भक्ति विलास 8वां अध्याय श्लोक संख्या 410, जिसको देखना है इंटरनेट पे, मैं हिंदी में हरि भक्ति विलास भी अपलोड किया था, आर्काइव पे आपको हिंदी में हरि भक्ति विलास मिलेगा, उसमें 8वें अध्याय में 410 संख्या का श्लोक है। इसमें अपने जीवन के सभी कार्यकलापों को भगवान को अर्पण करने का भाव है, तो इसको कहते हैं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते हैं कर्म आदि अर्पण, सर्व कर्म अर्पण, सारे कर्मों को अर्पण करना, ये सब करना, ये याद रखना, ठीक है, इस तरह से शुद्धि हो सकती है। यदि पहले भी नहीं किया हो, इससे पहले जो जो नई चीज अर्पण की हो उसको आज ही कर सकते, ये तो बड़ा लंबा मंत्र सिखाया था हरिभक्ति विलास में, छोटे थे विद्यालय में जाते थे, हमारे विद्यालय में संस्कृत का शिक्षा होता था, तो उसमें हमारे गुरु जी हमको मंत्र सिखाते थे, यत कृतम यत करिष्यामि, यत कृतम यत करिष्यामि, यत करोमि जनार्दन, यत करोमि जनार्दन,
तत्त्वदर्थं कृतं सर्वं तत्त्वदर्थं कृतं सर्वं त्वमेव फलभुक्तवे त्वमेव फलभुक्तवे यत् कृतं इससे पहले जो कि उत्तर यत् करिष्यामि भविष्य यत् करोमि वर्तमान का जनार्दन हे भगवान श्री कृष्ण तत्त्वदर्थं कृतं सर्वं वो सब किसके लिए किया है तुम्हारे लिए तुम्हारा तत्त्वदर्थं तुम्हारे लिए किया सर्वं त्वमेव फलभुक्तवे उसका फल भी कौन लो तुमने बस फल भी मत दो और कर भी इस तरह से वो कर्म यानी वो क्रिया भी भगवान को अर्पण की और उसका फल देखो हर क्रिया में दो चीज होती है व्यापार और फल क्या होता है व्यापार और फल जैसे खाना पकाना इसमें एक होता है व्यापार व्यापार क्या है बर्तन उठाना पानी भरना सब्जी डालना तेल डालना मसाले डालना घुमाना फिराना ये होता है उसका क्या व्यापार और दूसरी चीज क्या होती है उसका फल फल है पकी हुई सब्जी है कि नहीं हाँ तो व्यापार भी और फल भी दोनों भगवान को अर्पण ये नहीं कि हम सिर्फ हाँ फल अर्पण करते हो ये नहीं कि हम जब भोग लगाते हैं तो सिर्फ जो फल है उसका भोग लगाते हैं उसके साथ साथ भोग किसका लगाना चाहिए जो व्यापार किया है वो व्यापार का भी तो भगवान को समर्पण होना चाहिए कि नहीं हाँ वो सब का सब चीज भगवान को अर्पण होना चाहिए ये भक्ति भावना ऐसी रहती है ऐसा नहीं कि व्यापार तो मैंने खुद के बल भी किया ऐसा नहीं है हा? व्यापार भी किसके दिए हुए बल से किया भगवान के दिए हुए बल से ही किया बलम बलवतां चाह मैं तो बलवानों का मैं क्या हूँ बल हूँ पौरुषम ऋषि सभी नरों में मैं पौरुष हूँ सभी करने की शक्ति कौन है भगवान ही तो भगवत गीता में सीधा बोले भगवान जो भगवत शक्ति है उसको भगवान के सिरों में लगाना चाहिए कैसे लगाएंगे सर्वकर्मार्पण हरि भक्ति विलास तो कंठस्थ कर लीजिए और उसको शाम को सोने के पहले तीन बार बोलिए बस ये भाव अपने मन में दृढ़ होता जाएगा वो भक्ति कार्य के लिए मत बोलिएगा मतलब कुछ और काम होगा ना उसके लिए बोलिएगा फिर मुझे कोई और काम हम जैसे करते हैं जैसे कि मान लीजिए घर में बच्चा है बच्चे को स्कूल छोड़ने चले गए तो मोटरसाइकिल पे चला गया सूर्यदान हिस्सा आप समझ रहे इसका भक्ति से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं ऐसे जो कार्य है उसको भगवान को ठीक है तो मैं आशा करता हूँ कि आपके जैसा का समाधान हरे कृष्णा प्रभु जी प्रश्न था जो पांचवें श्लोक ने रूप गोस्वामी पाद ने बताया दुष्ट स्वभाव जनित तो वो केवल चौथे श्लोक में जो सब कैटेगरी के भक्त बताए उन सब के लिए एप्लीकेबल है या केवल जो निंदादि शून्य वाले भक्त है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं उन्होंने बोला भक्त जनस्य कोई भी भक्त जन हो तो उसके उसमें नहीं दोष दर्शन करता ऐसा है ओके ओके थैंक यू गुरु जी एक ही व्यक्ति दोष दर्शन करने का अधिकारी होता है वो व्यक्ति होता है शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु क्योंकि रूप गोस्वामी जी ने फिर जीव गोस्वामी जी के स्वभाव में दोष क्यों दिया पहला तो प्रश्न ये उठाना चाहिए यदि हमको वैष्णव के स्वभाव में दोष नहीं देखना है तो जीव गोस्वामी जी भी तो वैष्णव ही थे दीक्षित हो गए थे तो फिर रूप गोस्वामी जी ने उनके स्वभाव में दोष क्यों देखा और उनको क्यों बोला कि वृंदावन से चले गए तो इसका अधिकारी हर कोई नहीं होता है इसका अधिकारी सिर्फ वो होता है जिसको भक्त ने दीक्षा या शिक्षा गुरु रूप में स्वीकार किया हो तो यदि हम किसी के शिक्षा गुरु हैं या यदि हम किसी के दीक्षा गुरु हैं तो हम उस साधक में दोष दर्शन कर सकते हैं केवल उसको सही पथ पर लाने के लिए लेकिन इनके अलावा किसी और वैष्णव में दोष दर्शन करना उचित नहीं यह प्रश्न का समाधान है जी एक और प्रश्न था जो लास्ट तीन वर्सेस आपने कहे कि साधक भक्त का उसको अधिकार नहीं है तो उसको हमें कैसे समझना चाहिए उसको हमें कैसे समझना चाहिए मतलब क्योंकि वो तो उपदेशामृत बुक में है और हम पढ़ते भी है तो उसको किस दृष्टि से देखना चाहिए कैसे समझना चाहिए देखिए मैंने ये नहीं कहा कि सारे साधकों को अधिकार नहीं है मेरे कहने का अभिप्राय यह है साधन भक्ति दो प्रकार की होती है वैधि भक्ति रागानुगा भक्ति
तो साधन भक्ति में भी जो वैधि भक्ति करते हैं उनका अधिकार आठवें श्लोक तक है, और जो रागानुग भक्ति कर रहे हैं उनका अधिकार बाकी के तीन श्लोकों पर भी है। तो जो वैधि साधक है जिसको ब्रज के प्रति कोई लोभ उत्पन्न नहीं हुआ है अभी तक, सिर्फ शास्त्र बोलता है इसलिए भक्ति करता है, हम समझ रहे हैं क्यों भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, प्रभुपाद जी कहते हैं, समझ रहे इसीलिए, प्रभुपाद से इसलिए मैं, या शास्त्र से इसलिए मैं कर रहा हूँ, जो सिर्फ शास्त्र के शासन के कारण शास्त्र की मर्यादा के कारण भक्ति कर रहे हैं उसको वैधि साधक कहते हैं, और ऐसे भक्त को आठवीं तक उसका अधिकार है। 9, 10, 11 इसमें राधा कुंड की महिमा बताएगी, इसमें वो व्यक्ति चाहिए जिसको राधा मधु भक्ति उत्पन्न हो गई हो, उसके लिए उसके हृदय में लोभ होना चाहिए, स्वाभाविक लोभ होना चाहिए, वो लोभ जब तक नहीं होगा तब तक वो राधा मधु भक्ति का अधिकारी नहीं होगा, इसलिए पहले 8 तक वैधि भक्ति का अधिकारी है, 9, 10, 11 में राधा मधु भक्ति का अधिकारी, राधा मधु भक्ति का अधिकारी पहले 8 में भी है, उसका अधिकार पहले 8 पर भी है, पर रागानुग भक्ति का अधिकारी पूरे 11 श्लोक थे, पर वैधि भक्ति के लिए पहले 8 है। तो आशा है आपके जीवन से का समाधान हुआ होगा। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। 11 वर्सेस जो है इसमें इनिशियल कुछ वर्सेस ऐसा बताया जाता है कि कई प्रश्न आए हैं, आई डोंट नो दिस करेक्ट, तो ये कोई मॉरल कोड्स थे रुको को सुन रही थी पहले इसको दिया ऐसा करके कोई बताया ये करेक्ट है कि? तो पहले आपका प्रश्न ये है कि पहले 3-4 जो है ये इन्हीं पहले के जो नीति शास्त्रों से लिए हुए हैं, हाँ इनमें से एक जो है हित उपदेश से लिए हुए, ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम्, तो ये जो है हितोपदेश से लिया हुआ है। तो एक मेरे पास पुस्तक है जिसका नाम है सुभाषित रत्न भंडागर, तो सुभाषित रत्न भंडागर में आपको यही जो श्लोक है ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम्, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, और उन्होंने कहाँ से ये श्लोक लिया है ये भी उसमें बताया गया है। तो ये जो श्लोक है ये मैं आपको दिखाता हूँ जिससे कि क्या है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये देखिए ये पंचतंत्र का लिया हुआ है, तो इसमें श्लोक संख्या पंचतंत्र में कौन सी है, ददाति प्रतिगृहणाति दूसरे अध्याय में 51 पंचतंत्र में ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम्। ये देखिए थोड़ा मैं आपको ना कंप्यूटर पे दिखाऊंगा, देखना ये दिख रहा है, उल्टा कर देता हूँ, ये बीच में दिख रहा है ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम्, ये सुभाषित रत्न भंडागर है, इन्होंने उपदेशामृत से नहीं लिया है, इन्होंने नीचे लिखा है कि ये पंचतंत्र से लिए थे। अब ये कंटेक्स्ट, ये कंटेक्स्ट में बता देता हूं, ये सारे लोगों के साथ आप प्रीति स्थापित कर सकते हो, तो वैष्णव के समाज में भी तो वही नियम है ना, कोई अलग नियम थोड़ी निकालना पड़ेगा कि वैष्णव से प्रीति कैसे स्थापित करो। और जैसे पहला श्लोक है, अच्छा पहला नहीं दूसरा श्लोक है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल को नियमाग्रह जनसंघश्च लौल्यम च षड्वीर भक्ति विनश्यति, ये जो है ये भी एक ऐसा श्लोक है जो ऐसा दिखता है कि पहले के किसी ग्रंथ से लिया हुआ है, तो वो कौन से ग्रंथ से लिया हुआ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए एक ग्रंथ है जिसका नाम है हठ योग प्रदीपिका, हठ योग प्रदीपिका में मतलब ये हठ योग जो है साधारण योगी, ये देखिए
श्लोक आप ही ऊपर का श्लोक पढ़िए। उसके नीचे इस ग्रंथ में पहले ही अध्याय में हठयोग प्रदीपिका में ये दो, लेकिन भक्ति भी तो योग ही है कि नहीं? भक्ति भी भगवद गीता में बताया हुआ क्या है, योग ही तो। जैसे बाकी योग नष्ट होते हैं और सिद्ध होते हैं, वैसे भक्ति भी क्या होती है, नष्ट होती है और सिद्ध होती है, और कुछ तो इसमें कोई ये बाकी गोस्वामी जी के लिखे हुए आपको दिखा, सब प्रमाण आपको दिखा दिए, तो क्या है? मेरा ओपिनियन नहीं है, ठीक है? उनकी पहले चार भी है। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जगद्गुरु गोस्वामी प्रभुपाद की जय। टैगोर प्रेमानंदे श्री राधा दामोदर जी की जय। हरे कृष्ण। इस ग्रेस हरि पार्षद प्रभु की जय। श्री लभुपाद की जय।